पार्षद हमारे अजय शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष नवल किशोर जी, शंकर सानी जी, रितेश सुजी और हमारे अभी प्रत्याशी जो यहाँ से अभी दूसरे कार्यक्रम में गए हैं, श्री जितेंद्र भारद्वाज, जितेंद्र महाजन जी, जो नाम बोल दी है वो सब जी, जो नहीं बोले वो भी सब जी। भाई बहनों, चुनावी सभा और ये हर लोकतंत्र में 5 वर्ष के बाद ये समय आता है, हमको अपना भाग्य अपने हाथ से लिखना होता है और वो घड़ी आने वाली है। 30 जनवरी आज है, बसंत पंचमी का ये दिन है और इस बसंत पंचमी के दिन का आज का ये आखिरी कार्यक्रम है। चुनाव का प्रचार 45 दिन 50 दिन चलता था, अब चुनाव प्रचार अभियान कितने दिन का होता है? 14 दिन का, 1/3 से भी नीचे हो गया। तो जो काम पहले 40-45 दिन में करते थे वो हमको 14 दिन में करना है। इन 14 दिनों में पहली तो भूमिका ये हमको पता रहनी चाहिए कि आखिर 5 साल पहले क्या परिस्थितियां थी जब ये आज की वर्तमान सरकार दिल्ली की बनी थी, बनाई दिल्ली के लोगों ने थी। उस समय दिल्ली के लोगों के मन में क्या था, आज दिल्ली के लोगों के मन में क्या है, इस भूमिका में मैं इतनी बात बताना चाहूंगा कि 5 साल पहले 2013-14 में देश भर में एक वातावरण बना था कि कांग्रेस की सरकारों को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार का ये जो कैंसर रूपी रोग था ये सर्वदूर खूब बड़ी मात्रा में था, ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी थी कांग्रेस की सरकार, बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े कांड उस समय हुए। वातावरण बना, केंद्र में सबसे पहले मई 2014 में सरकार जो है कांग्रेस की खत्म हुई और बदल करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अच्छी सफलता मिली और पूर्ण बहुमत की सरकार आई। उसके बाद मैं बाकी प्रदेशों की बात नहीं करता, हरियाणा की बात करता हूं। ठीक उसके 5 महीने बाद हरियाणा में भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार अक्टूबर 2014 में आई। जनता के आशीर्वाद से हमको ये मौका मिला कि सरकार को चलाना है। हमने 5 साल खूब अच्छी सरकार, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, पारदर्शी सरकार, बिना किसी भेदभाव के हमारे लिए हर व्यक्ति, हर परिवार, हर इलाका, हमने एक जैसा व्यवहार किया सबके साथ, हरियाणा में एक वातावरण बना और जिसके परिणाम स्वरूप दोबारा से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी है, उसमें आप लोगों की भी कहीं ना कहीं शुभकामनाएं रही। कमोबेश यही वातावरण दिल्ली में भी था। दिल्ली में भी भ्रष्टाचार की कांग्रेस की सरकार, इसको हटाना है, भगाना है, यही वातावरण था। संयोग ऐसा हुआ कि उस समय एक संत पुरुष, मैं उनको संत पुरुष कहता हूं, आप पता नहीं मेरी बात से सहमत होंगे कि नहीं होंगे, एक आंदोलन चलाने वाले कौन थे, अन्ना हजारे को मैं बहुत पुराना जानता हूं। 1981 में मैं उनके गांव में गया था, उनका गांव महाराष्ट्र में रालेगढ़ सिंधी नाम का गांव है जहां के वो रहने वाले, और ये भी घटना शायद पता हो कि ना पता हो, वो पहले आर्मी में होते थे। आर्मी में एक दुर्घटना में उनके साथ 5 लोग और थे, वो 6 लोग जा रहे थे, 5 लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, ये अकेले बच गए। इनके मन में आया कि 6 के 6 भी जा सकते थे, तुम बच्चे हो तो जरूर को ना भाई, समाज का अच्छा काम करने के लिए विधाता ने इनको बचाया है और ये समाज सेवा में लग गए, अपने गांव से शुरू किया। एक कहानी हम सुनी थी तो हमें उत्सुकता हुई, जाके मिल के आए, शुद्ध मन की व्यक्ति है, हो सकता विचारों में कहीं ना कहीं हमारे उनके विचार में अंतर हो, लेकिन व्यक्ति की जो इंटेंशन है वो ऐसी है कि देश में भला होना चाहिए, समाज में भला होना चाहिए और खास करके भ्रष्टाचार को तो हटाना ही चाहिए। उन्होंने लोकपाल की बात की, जन लोकपाल की बात की, ये सारे इसी रीत है कि भ्रष्टाचार बहुत है। अब उसके आंदोलन के सीढ़ियों पर चढ़कर, उनको भी नहीं पता था कि ये आदमी मेरे पीछे मेरे कंधों पर चढ़ करके सत्ता हासिल करने जा रहा है, इसने सत्ता हासिल की और सबसे पहले ठोकर किसको मारी, और अन्ना हजारे से प्रभावित होकर के बहुत बड़ी टीम साथ लग गई थी उस समय, वो भी सारे अपने अपने क्षेत्र के अच्छे लोग थे, हमारे विचार मेल खाए ना खाए लेकिन
लोग सारे उच्च कोटि के थे, वो भी धीरे धीरे करके एक एक करके सब छोड़ गए। नाम गिनने हो तो योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास और कपिल मिश्रा, प्रशांत भूषण, किरण बेदी, कपिल मिश्रा, कपिल मिश्रा, संजय सिंह और अपने ये जो चुनाव लड़ रहे हैं गांधीनगर से अनिल वाजपेयी, ये उनकी टीम में पहले विधायक बने थे। ये सब लोग अन्ना हजारे के से प्रभावित होकर के साथ गए थे, कोई केजरीवाल से प्रभावित होकर के नहीं गए थे। अन्ना हजारे से प्रभावित होकर गए, लेकिन उस लाइन पर ना चल करके इसने भ्रष्टाचार की गोदरी प्रदेश में तो क्या खत्म करनी थी, अपने घर में भी चलाई रखी। वो घटना याद है जब इन्होंने लोगों को नाश्ते पर बुलाया, भोजन पर बुलाया, और क्या किया साथ में, थाली की रेट रख दी है कि मेरे साथ जो भोजन करेगा या नाश्ता करेगा 15,000 रुपए थाली का रेट देना पड़ेगा उसको। ये शुरुआत की। अरे भाई चाय पिलाना मना कर दो, किसने कहा कि चाय पिलानी है, और चंदा लेना तो वैसे ले लो, भोजन और चाय के नाम से क्यों लेते हो। वैसे चंदा पार्टियां लेती है, तुम भी लो। चंदा लेते समय उन्होंने वेबसाइट बनाई कि मेरे बैंक अकाउंट में डालते रहो, लोग डालते रहे, महीना 20 दिन तो चली, महीना 20 दिन के बाद इनको लगा कि सारा हिसाब किताब खुल जाएगा, तो चुनाव आयोग ही पूछ लेगा, लोग ही पूछ लेंगे हमारा इतना चंदा कहाँ गया, धंधा कैसे चलेगा, वेबसाइट बंद कर दी। बाद में अपनी टिकटें बेचनी शुरू कर दी। आज और कोई नहीं, स्वयं सुशील गुप्ता कहते हैं कि करोड़ों रुपए दे करके टिकट ली है। कुमार विश्वास कहते हैं कि अगर पैसों से टिकटें बेचनी थी तो फिर हमको क्यों साथ रखा था, हमें बारी रखते, हम तो पैसा नहीं दे सकते। तो कुल मिलाकर जो मानसिकता, जो उद्देश्य दिल्ली की जनता का इस सरकार को, कांग्रेस की सरकार को बदलने में था, वो एक भी काम पूरा नहीं हुआ। झूठे वायदे एक के बाद एक, चाहे वो बिजली का वायदा, चाहे सड़कों का वायदा, चाहे स्कूल का वायदा, कोई भी वायदे जो किए सब झूठे वायदे किए, कोई पूरा हुआ नहीं। और फिर मुफ्त चीजें देना, ये कौन सा वायदा है? आखिर मुफ्त में तो आप कुछ भी, इसका मतलब वोट खरीदना चाहते हो आप? उन्होंने मुफ्त देने का मतलब वोट खरीदना। और ये पैसा जो 1800 करोड़ रुपया बिजली के कंपनी को सब्सिडी के रूप में देते हैं, वो पैसा कहां से आया? जनता का पैसा जाता है। तो जनता को समझना पड़ेगा, ये 1800 करोड़ रुपया विकास में लगता तो यहाँ के 4 काम नहीं होते। पानी साफ नहीं पिला सकते थे क्या? कहीं पानी साफ पिला पाए? इन्होंने कहा हम स्कूल कॉलेज बनाएंगे, एक भी कॉलेज इन्होंने बनाया क्या? हमने 5 साल में हरियाणा में महिलाओं के 31 कॉलेज बनाए हैं, कुल मिलाओ तो 52 कॉलेज। शिक्षा का ही ढंडोरा पीटते हैं हरियाणा से, आज भी शिक्षा में पीछे, मैं दावे से चैलेंज से कह देता हूं। और ये मैं कहूं ऐसा नहीं है, नीति आयोग की रिपोर्ट्स कहती हैं। उन रिपोर्ट्स को कोई आप लोगों में से शिक्षा क्षेत्र में कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति हो ना, उनको पढ़ ले। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए हमने 7-7 कार्यक्रम प्रोग्राम चलाए हुए हैं, लेकिन इसने प्रोग्राम नहीं चलाया, केवल कमरे कुछ बनाए होंगे, फर्श बना दिए होंगे, सफेदी करा दी होगी। फर्श बनाने से, सफेदी से, बेंच से या कमरे बनाने से शिक्षा थोड़ी आती है, शिक्षा तो अच्छी पढ़ाई कराने से आती है। इन्हें शिक्षकों का भी कोई, हमने लर्निंग अनाउंसमेंट प्रोग्राम चलाए शिक्षकों के, इन्होंने कोई नहीं चलाया। हमने शिक्षकों की नई भर्ती की, इनके यहाँ 14,000 शिक्षकों का स्थान खाली है, कोई शिक्षक भर्ती नहीं किया है। कुल मिलाकर के छोटे प्रदेश के नाते से बड़े प्रदेशों का ये मुकाबला करेंगे तो स्वाभाविक है, दिल्ली तो पैसे के नाते टैक्स बहुत आता है, इसलिए आमदन बहुत है, उतनी बाकी प्रदेशों की नहीं है। मुकाबला करें तो शहरों के साथ करें। दिल्ली एक शहर है, चंडीगढ़ एक शहर है, गुड़गांव एक शहर है। मैं गुड़गांव के शहर की तुलना इस नाते से करता हूं, दिल्ली की पर कैपिटा इनकम एक एवरेज होती है हर व्यक्ति की आय की, 3,30,000 रुपए साल की है, जबकि गुड़गांव के पर कैपिटा इनकम 5,40,000 रुपए है। मुकाबला है, आप गुड़गांव का भी जाओ तो आप देखो विकास, नोएडा चले जाओ नोएडा का भी विकास, एक गांव शहर तो आपने देखे।
तो इस नाते से दिल्ली तो यानी गंदगी भरे इनके मोहल्ले जो यहाँ आप लोग देखते हैं गलियां मोहल्ले, मैं भी तीन दिन से घूम रहा हूँ। स्वच्छता अभियान में हरियाणा ग्रामीण क्षेत्र वाला वो ये जो खुले में शौच से मुक्त ODF ओपन डेफिनेशन फ्री ये प्रथम आया, ग्रामीण पहले आया बाद में फिर पूरा इलाका आया। तो स्वच्छता अभियान में हमने खूब काम किए, या वो नहीं कर पाए। यमुना को साफ करने की बात इन्होंने कही, कर पाए क्या? नहीं, गंदा पानी खूब उसमें जाता है, दोष हरियाणा पर पड़ता है। प्रदूषण मुक्त कर पाए क्या? आज तो पराली नहीं जलती, ये बहाना के खेतों में पराली जलती है, पराली एक महीना डेढ़ महीना जलती है, हालांकि हमने बहुत रोक लगा दी है, हरियाणा में नहीं जलती, पंजाब की थोड़ी बहुत जलती है, लेकिन वो पराली इतने 100 किलोमीटर के बाद यहाँ आएगी ऐसा नहीं। यहाँ का प्रदूषण रोकना चाहिए, इसके लिए कोई इंतजाम नहीं किया। और इतनी गैर जिम्मेवारी से बात करते हैं, ये दो उदाहरण बताता हूं आपको। हरियाणा यानी जब दिल्ली को पानी की आवश्यकता पड़ती है एमरजेंसी में, कौन सहारा देता है? तो सबको पता। इन्होंने क्या किया, पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए गए, वहां लोगों को बहकाने के लिए, क्योंकि हरियाणा और पंजाब का एक झगड़ा चलता है SOIL का, हम चाहते हैं कि भी भाखड़ा का पानी SOIL के माध्यम से हरियाणा में आए, ताकि हम दिल्ली को जरूरत पड़े तो दिल्ली को भी दे सके, राजस्थान को जरूरत पड़े राजस्थान को दे सके, उत्तर प्रदेश वृंदावन वाले भी पानी मांगते हैं उनको भी दे सके। वहां जाके बोले कि SOIL के ऊपर हरियाणा का अधिकार नहीं है, पंजाब का अधिकार है, वहां के लोगों को लुभाने के लिए। और यहां जब आए इनके अपने लोगों ने पकड़ लिया कि आप ये क्या कराए हो, कहले क्यों क्या हुआ? अरे जब कभी दिल्ली को पानी की जरूरत पड़ेगी तो हरियाणा पहले पानी देगा, पंजाब नहीं देने वाला, मेरे से गलती हो गई, इस पर अधिकार तो हरियाणा का है पंजाब का नहीं। अब ये कह दिया। ड्रामे किस प्रकार के किए, जिस दिन चुनाव जीता मुख्यमंत्री बने, अब स्वाभाविक लोग बधाई देने वाले आएंगे, अपने काम लेके भी आएंगे, खतरा के लोग आके घेरेंगे, कितना हिपोक्रेसी, कितना किस प्रकार से बहुरूपिया कि मैं सिक्योरिटी नहीं रखूंगा और मैं जो है जनता में सीधा जाऊंगा बिना सिक्योरिटी के। पहले एकदम जनता में जो घुसा तो क्या हुआ उस दिन, किसी ने बाजू पकड़ ली, किसी ने टांग पकड़ ली, किसी ने कपड़े पकड़ लिए, किसी ने गला पकड़ लिया, दौड़ के मुश्किल से जान छुड़ा के, सिक्योरिटी वाले ने छुड़ाया, पुलिस छुड़ा के छत पर चढ़ के वहां से भाग दिया। ये किया था सरकार, चुनी हुई सरकार जो होती है तो उसका काम होता है नीतियां बनाना, कानून बनाना, पॉलिसी यही है, उनको बनाते हैं, बनाने के बाद लागू कौन करता है? अफसर लागू करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, IAS, उनका मुखिया कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी। किसी भी सरकार चलाने में जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक चीफ मिनिस्टर होता है, एक चीफ सेक्रेटरी होता है। चीफ मिनिस्टर का काम है नीतियां बनवाना, लागू करने का काम है चीफ सेक्रेटरी का, दोनों मिलकर के जनता का भला कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। ये माशाल्लाह शेर ऐसा है कि अपने उस साथी को चीफ सेक्रेटरी को आधी रात घर के अंदर बुला करके क्या किया, यानी चीफ सेक्रेटरी को जो आदमी पीट सकता है, थप्पड़ मार सकता है, मर्यादाएं भूल गए, लोकतंत्र की मर्यादाएं होती है। मुख्यमंत्री बनकर के संवैधानिक पोस्ट पर जाकर के और जाकर धरना दे दिया, कहा जाके धरना दिया, यानी क्या जनता को बेवकूफ समझते हैं? कुल मिलाकर के ये तमाशे करने वाला ये मदारी डुगडुगी ये बजाता, लोगों को सावधान करना कि अगर दिल्ली को अपना मान करके सुरक्षित करना चाहते हो तो अब वो बात जो है उस बात को वातावरण वैसा ही है, पहले कांग्रेस ने खराब किया हुआ था, इसने खराब किया हुआ है। उस समय जिन लोगों ने देश के लोगों ने प्रदेशों के लोगों ने जान छुड़ा ली, कांग्रेस मुक्त भारत किया, दिल्ली अगर बची रह गई है तो फिर ये फंसी हुई है। दोबारा से आप लोगों ने और इसका सफाया करना और दिल्ली की सुरक्षा करनी है, दिल्ली को सुरक्षित अगर करना है तो 8 तारीख को सब लोग सामूहिक रूप से वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को देने हैं। ये हम तो सब जल्दी समझ जाएंगे लेकिन इतने कार्यकर्ता समझेंगे उससे काम नहीं चलेगा।
सवा लाख से एक लड़ाऊं तब मैं नानक गुरु गोविंद का। एक एक कार्यकर्ता कम से कम 100-100 वोटों को प्रभावित करने वाला हो अपने मोहल्ले में, तब जाकर के बात बनेगी। इसके लिए घर घर जाओ, वोट मांगो, उनको समझाओ। एक बात बता रहा हूँ, वोट देने वाला भी आदमी है ना, जिसकी इच्छा है वो भी वोट बिना मांगे नहीं देता है। अगर घर में किसी रिश्तेदार के घर में शादी हो, बेटे के या बेटी की, तो जो बाकी सारे रिश्तेदार हैं उनकी, उनको भी अच्छा लगता है, खुशी होती है भी हमारे रिश्तेदार के किसी मामे के, बुआ के, चाचे के, ताए के घर में बेटा बेटी की शादी है। और धीरे धीरे जब दिन नजदीक आता है तो 6-7 दिन जब रह जाते तो हमको इंतजार होते हैं किसी के कार्ड आएगा। और मान लो आखिरी दिन तक कार्ड नहीं आया तो शादी जाते हैं? क्यों नहीं जाते? बुलाया नहीं, कोई बात नहीं, रिश्तेदार तो है भाई, रिश्तेदार भी है, शादी भी है, इज्जत खराब हो जाएगी। तो जैसे हमारे मन में स्वाभिमान है ना, बिना बुलाया नहीं जाएंगे, वोटर के मन में भी एक स्वाभिमान होता है। वो चाहता है कि मैं बीजेपी के कैंडिडेट को जिताऊं, कमल पर निशान लगाऊं, मोदी जी मेरे नेता हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं ने अगर उससे वोट नहीं मांगा तो वोट देने नहीं जाएंगे। क्या उसको वोट देने आना चाहिए? जैसे हम कहते हैं हमने शादी में नहीं जाना, तो वो वोट देने आना चाहिए क्या उसको? आना चाहिए क्या? हम बुला के लाएंगे। हाँ, बिना बुलाए नहीं आना चाहिए, बुला के लाएंगे। बुलाना है तो ये जो टीम है सारी, ये आज से ही अपने मोहल्ले में, बूथ में पंच परमेश्वर की व्यवस्था बनी है। यहाँ कितने बूथ के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं अंदाजा पता है? हाथ 12 बूथ के, उनमें पंच परमेश्वर बने हुए हैं। हर बूथ पर 5-5 लोग हैं। तो जो पंच परमेश्वर की श्रेणी में वो कौन कौन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, चलो 10 में से यानी 12-15 लोग हैं, तो हर बूथ के 1-2 आदमी तो है अपने सब लोगों बूथ वालों का है। फिर बाकी अपने और लोगों को साथ लेकर के निकलो। हर घर में जाना एक काम, बाजारों में गलियों में माहौल बनाना दूसरा काम। माहौल बनाने से भी लाभ मिलता है। चुनाव वाले दिन 20% लोग ऐसे होते हैं जिनका एक धर्म होता है। उनका धर्म पता क्या है? जीतने वाले को जिताओ, हारने वाले को हराओ। उनकी पार्टी का एक अलग नाम होता है, ना बीजेपी, ना आम आदमी पार्टी, ना कांग्रेस, ना कोई और। उनकी पार्टी का नाम पता क्या होता है? नहीं। उनकी पार्टी का नाम है जीत पार्टी। किधर बोली बाप, उधर हुए हम चढ़ते सूरज को। जीत पार्टी इसीलिए कि जो जीत रहा है हम उसके हैं। अब चुनाव का रिजल्ट तो आया नहीं, उनको अगर अपनी तरफ लाना है तो हमें चुनाव से पहले सिद्ध करना पड़ेगा कि जीत पार्टी कौन? हम, भारतीय जनता पार्टी। जीत पार्टी भारतीय जनता पार्टी। ये विश्वास जगाना पड़ेगा, और वो विश्वास तब जागेगा तब हम वातावरण बनाएंगे, जब हम घर घर जाएंगे, जब लोगों को विश्वास हो जाएगा कि वो पिछले वाला खेल नहीं चलेगा। क्या इस बार जागरूक जनता देश हित में भारतीय जनता पार्टी को लाएगी। जनता का भी हित है, प्रदेश का भी हित है, देश का भी हित है। देश हित की बातें बहुत आई होंगी, मैं भी दोहरा देता हूं। चाहे देश में से आतंकवाद समाप्त करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलवामा घटना के बाद जिसमें 42 सैनिक शहीद हुए थे, उसके बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान की सरकार मानती है कि यहाँ बमबारी हुई है और कुछ नुकसान हुआ है, और हमारा केजरीवाल क्या बोलता है? ये विधानसभा की स्टेटमेंट है। यानी जो व्यक्ति अपनी सेना से सबूत मांगेगा उसको हम देश के भाई में कुछ सोच सकते हैं? देशभक्त हो सकता है क्या? सेना से सबूत मांगना माने अपनी सेना का मनोबल गिराना। जो सेना दिन देखती नहीं, रात देखती नहीं, 25-25 माइनस डिग्री टेम्परेचर में और हमारी सुरक्षा में बर्फ के अंदर खड़े रहते हैं ताकि कोई इस देश के अंदर कोई घुसपैठिया ना घुस जाए, दुश्मन का
कोई नुकसान ना कर जाए। कहना आसान है, थोड़ी कल्पना करते हैं ना, शरीर में कंपन हो जाती है। हम रात को जरा आजकल ही रजाई लेके सोते हैं, कहीं तो दो दो रजाई लेके सोते होंगे, जरा बाहर इकट्ठा खड़े होकर देखो, यही दिल्ली की सर्दी में नहीं सहन कर सकते, और वो बर्फ के अंदर खड़े रहते। उस सेना के प्रति एक अपमानजनक, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि सेना हमको क्रोध दे। तो मित्रों, ऐसा ही अब ये नागरिकता संशोधन कानून, इसमें एक बात तो यह है कि भी हम किसको नागरिकता देना चाह रहे हैं? आखिर उन्हीं को ना, जो उन देशों में, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जो वहां सम्मान से जी नहीं पा रहे, अपमानित हो रहे हैं, जिनको जिनको धार्मिक तौर पर भी प्रताड़ित किया जा रहा है। 4 महीने पहले की घटना है, ननकाना साहब में क्या हुआ, गुरुद्वारे के ग्रंथी की बेटी को जबरदस्ती एक मुसलमान नौजवान के साथ निकाह करा दिया। जब विरोध हुआ गुरुद्वारे में, लोगों ने विरोध किया कि उस दोषी को दंडित करो, पाकिस्तान के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया और ये कहा कि ननकाना साहब का यहाँ नाम बदल दो, मस्जिद बना दो। ये था कहना उनका। मान लो अगर इस प्रकार की घटना ज्यादा बढ़ जाए तो वो हमारे सिख भाई कहाँ जाएंगे, ईरान, इराक या कहीं अफगानिस्तान या कहीं रूस में या चाइना में थोड़ी जाएंगे, भारत ही आएंगे। और अगर ऐसे मानो भारत में कोई आ जाते हैं तो उनको नागरिकता देने का फर्ज हमारा नहीं है क्या? अपने इस देश को देश मान करके, मातृभूमि मान करके वो यहाँ आना चाहते हैं, आते हैं, तो उनको नागरिकता देनी है। तो यही नागरिकता देने का कानून है हमारा, जो नागरिकता कानून संशोधन कानून, और कुछ नहीं किया। और आपकी जानकारी के लिए पिछले एनडीए की जो 5 साल की सरकार में 550 परिवारों को, मुसलमान परिवारों को भी नागरिकता दी है, उनको भी नागरिकता के प्रावधान है, सब कंडीशंस पूरी करें, नागरिकता उनको भी मिलती है, मना नहीं उनके लिए। लेकिन देश के प्रति प्यार ये पहली शर्त है। देश का खाएंगे गुणगान, किसी और जगह का गाएंगे ये बर्दाश्त नहीं चाहिए। चलेगा क्या? नहीं। तो ये सारी बातें जनता को समझाने की है। गरीब आदमी शायद सीधी सीधी ऐसी बात ना समझे, उसको समझाने का तरीका, मानो उसको भूख लगी और हम कहते हैं अच्छा भाई 2 रोटी तुझे मैं खिलाता हूँ, हमने उसको 2 रोटी 4 रोटी खिलाने की वादा कर दिया और खिलाने शुरू कर दिया और साथ में कह दिया भाई 2 तुझे मैं गालियां दूंगा, 2 तुझे थप्पड़ मारूंगा, हमारी रोटी को स्वीकार करेगा वो? नहीं। उसका भी स्वाभिमान है, उसको बताओ कि हमारी जमीन को ललकारा जा रहा है, हम जिस जगह रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, इसका अपमान किया जा रहा है। तो इस सामाजिक अपमान को कोई सहन नहीं करता है। तरीका आप अपना समझ, कैसे समझाना समझाओ। तो इसलिए मित्रों, हम लोग जो पछता रहे हैं उस पछतावे को वो भी दूर करना चाहते हैं, बस आवश्यकता इतनी है, सबके पास जाके सबको अप्रोच करो, सबको बांध लो, और हर विधानसभा सीट, चाहे हमारी महाजन जी की सीट है, चाहे आसपास की पड़ोस की सीटें हैं, उन सब सीटों पर दिल्ली में जहां भी हमारा रिश्तेदार, मित्र, काम करने वाला, साथ काम करने वाला जो भी रहता है, उसको फोन करो, बुला लो, चले जाओ। हम हरियाणा से, हरियाणा ही नहीं तो देशभर से भी बहुत से जगह से लोग आए हुए हैं, सैकड़ों हजारों लोग यहाँ आए हैं। हम भी तो अपना कोई ऐसे ही दर्द लिए हुए है ना, कि दिल्ली को, दिल्ली का संदेश सारे देश में जाता है। दिल्ली देश की राजधानी है, देश का दिल है, और देश के दिल में इस समय क्या है, कमल का फूल है। देश के दिल में कमल का फूल है, कली आपको देंगे, आप खिला दो। इसलिए मित्रों, आपके दायित्व को आप जरूर संभालें, समझें। 8 तारीख को वातावरण ऐसा बन जाए सवेरे सवेरे कि घरों में बैठे हुए जो लोग, जीत पार्टी वाले लोग, उनको भी संदेश पहुंचे कि कौन जीत रहा है, महाजन जीत रहा है, कौन जीत रहा है, कमल जीत रहा है, कौन जीत रहा है, बीजेपी जीत रहा है, ताकि वहां से वो भी कहे चल भाई ठीक है, वोट तो बीजेपी नहीं पाने को जीती रहे। और हालात तो यहां तक होते हैं जब कोई मानो वोट नहीं भी डालता ना हमें, और मानो ये जीत जाते हैं तो बाद में वो भी कहता है मैं तो वोट तो हमें पास ही। भाई मेरा लाल खट्टर जी,
जिंदाबाद। और ऐसे मौके पर थोड़ा धैर्य रखना, पता होते हुए भी इसने वोट नहीं दिया, वो कहता मैंने आपको वोट दिया है, तो कह देना हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है ना, सारे समाज में पता अच्छा बनाओ, चुनाव में जीतो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।